जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर के बारे में। और बोल सकते हो कि हम हीरो स्प्लेंडर को कैसे ईवी में कन्वर्ट करें, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे कन्वर्ट करें। हालांकि आरटीओ अप्रूव्ड एक आपको ईवी किट मिलती है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग से छोटी सी दरख्वास्त है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके सामने बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी बढ़ रही है और कई टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनियां एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और कारें लॉन्च कर रही है। अब भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है हीरो स्प्लेंडर। अब इसका एक ईवी कन्वेंशनल किट भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो लोग हीरो स्प्लेंडर खरीदने वाले हैं और पेट्रोल का खर्च बचाना चाहते हैं, उनके लिए अब विकल्प है कि वो अपने फेवरेट बाइक में इलेक्ट्रिक किट लगवा कर पैसे बचा सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक किट को इस्तेमाल करने के लिए आरटीओ से मंजूरी भी मिल चुकी है इस कंपनी को। अब बात करते हैं कि इसमें कितना खर्च होगा और बैटरी रेंज क्या होगी। तो हीरो स्प्लेंडर ईवी कन्वेंशनल किट की बात करें तो ये जो कंपनी है गोगो एआई, यह महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो कि थाने में स्थित है। इन्होंने ये लॉन्च की है ईवी कन्वेंशनल किट, जिसकी कीमत रखी है इन्होंने 35,000 रुपए। साथ ही साथ आपको 6,300 का एक जीएसटी भी इसमें लगता है। इसके साथ ही आपको बैटरी किट अलग से देना होगा। कुल मिलाकर ईवी कन्वर्टर किट और बैटरी का खर्च होता है 95,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हीरो स्प्लेंडर आप कितने में खरीदते हैं वो अलग है। ऐसे में हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक की कीमत इलेक्ट्रिक किट के साथ अच्छी खासी बढ़ जाती है। इस इलेक्ट्रिक किट पर 3 साल की वारंटी दी जा रही है। एंड वही गोगो एआई का दावा है कि इससे सिंगल चार्ज में 151 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अब इसके बाद कहानी ये है कि क्या हमें बाइक के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको किट का पैसा भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको बैटरी का पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है जो कि स्प्लेंडर हो चुकी ख़राब, जिसकी इंजन उतने अच्छे नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक चल जाती है, लेकिन आपको एक वही गाड़ी पे ही इलेक्ट्रिक चाहिए और थोड़ा बहुत रिपेयरिंग के साथ अगर आपके 5 से 6 साल चल जाती है, तो ये बहुत सही ऑप्शन होगा आपके लिए। लेकिन मैं नए गाड़ी को खरीद के उसको ईवी में कन्वर्ट करने का सजेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। हालांकि कंपनी ने एटलीस्ट दावा किया है कि आप बहुत जल्दी आपको दूसरी गाड़ियों के लिए भी ईवी कन्वर्टर किट देखने को मिल जाएगा। देखते हैं तब प्राइस क्या होगा, क्योंकि जो कंपनी के जो ओनर है उनके हिसाब से ये है कि बैटरी कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से इन गाड़ियों में हमें किट लगाने में जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हमको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। अगर उन्हें बैटरी कॉस्ट कम मिलती है तो शायद उनके लिए भी काफ़ी ईजी होगा आपको कम प्राइस में ईवी किट प्रोवाइड करने का। तो ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन था हीरो स्प्लेंडर ईवी कन्वेंशनल किट के ऊपर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, किसी को शेयर करना है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।